हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारी रसोई में। आज हम लेकर के आए हैं आप सबको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पे लिए हमने एक मुट्ठी करीब पालक, और पालक के जो डंठल है वो हम काट कर देंगे, और पानी में हम भाजी को अच्छे से धुल लेंगे, साफ़ कर लेंगे। मिट्टी वगैरह रहती है वो अच्छे से निकल जाती है धुलने से, तो अच्छे से पानी में साफ़ कर लेना है फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा। तो हमने अच्छे से पानी में पालक को साफ़ कर लिया है और हम चाकू से पालक को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी पालक की रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाइक का बटन दिया गया है, उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप सबको हमारी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने पालक को कट कर लिया है। गैस पे पानी हमने पहले से गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो अच्छे से पानी गर्म हो गया है तो हम पालक को डाल देते हैं और 2-3 मिनट के लिए पालक को पका लेंगे। तो ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स पालक को, क्योंकि इसका टेस्ट भी ज़्यादा पकाने से कम हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो 2-3 मिनट के लिए पकने के बाद हम निकाल लेते हैं पालक को एक प्लेट में और छोड़ देंगे हम ठंडे होने के लिए। तो पालक अच्छे से ठंडी हो गई है, तो यहाँ पे लेंगे मिक्सी का जार और हम जार में पालक को डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने पालक को सभी को डाल दिया है मिक्सी के जार में। और यहाँ पे लेंगे हम 2 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा, इससे हमारी जो सब्ज़ी बनाने वाली है उसमें बढ़िया सा टेस्ट आने वाला है, और ये बहुत ही फायदेमंद सब्ज़ी रहती है फ्रेंड्स पालक की। आप सबको पता ही है कि इसमें कितने विटामिन रहते हैं, तो आप पालक की सब्जी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एक बार। और हमने पालक को अच्छे से पीस लिया है, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो। और यहाँ पे लिया है एक बॉल, उसमें हम पालक के बैटर को डाल देते हैं। तो सभी पालक के बैटर को अच्छे से हम निकाल के बॉल में डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरी देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है पालक की। आप एक बार मेरे तरीके से खाओगे बनाकर, तो हर बार इस तरीके से बनाकर आप खाओगे और सभी परिवार को आपके सभी को पसंद आएगी। तो यहाँ पे लिया हमने 1 कप बेसन, बेसन को अच्छे से हमने छान लिया है फ्रेंड्स। और आपके यहाँ जितनी फैमिली हो वो हिसाब से आप इस सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हो, कम ज़्यादा। तो यहाँ पे डाल देंगे कुछ मसाले, तो 1/2 चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चम्मच जाएगा इसी में गरम मसाला, और इसी में 1 चम्मच जाएगा आमचूर पाउडर, 1 चम्मच करीब डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिएगा, और करीब 1 चम्मच डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से हाथों से टेस्ट करके डालेंगे, इसमें बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और इसी में जाएगा जीरा पाउडर 1 चम्मच। तो इन सभी मसालों को अच्छे से हमें डाल लेना है फ्रेंड्स। आपके यहाँ जो जो मसाले हैं आप वो डालकर बना सकते हो। और यहाँ पे लिया हमने 1 कप पानी, तो 1 कप पानी हम डाल देते हैं और 1 कप पानी और लेंगे। तो आप किसी भी बर्तन से पानी डाल सकते हो फ्रेंड्स, आप कटोरी से या किसी भी बर्तन से आप नाप कर पानी डाल लीजिएगा। आपने 1 कप बेसन लिया है तो आप 2 कप पानी डाल लीजिएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, आपको पानी को नाप कर ही डालना है। तो यहाँ पर हमने पानी को नाप कर डाल लिया है। अभी हम पानी को अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद बेसन को, बाद में पानी की ज़रूरत हमें और पड़ेगी तो हम डाल लेंगे। तो अच्छे से हमें जो है चम्मच से मिक्स कर लेना है बेसन को, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो आपको इतना ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो बेसन की गुठलियाँ हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और हमने जो पानी हमने नाप कर रखा था 1 कप, वो भी हम इसी में डाल लेते हैं। तो हमने सभी पानी को डाल लिया है और बेसन को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। और यहाँ पे ली है हमने 1 थाली, और थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और इसमें सभी में लगा देंगे। तो इसमें हमने अच्छे से तेल लगा दिया है फ्रेंड्स, और इसको हम तेल लगाकर छोड़ देते हैं, करते हैं आगे की तैयारी। तो हम यहाँ पे 1 तवा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, करीब 2-3 चम्मच तेल है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं डालना है। तो 2-3 चम्मच तेल ही हमने इसमें डाला है, और जो हमने पालक का बेसन का घोल बना कर रखा था वो डाल देंगे हम। तो तेल तो हमने इसलिए डाला है कि ये जो घोल है वो बर्तन में चिपके नहीं।
तो देखिए फ्रेंड्स, घोल को हमने डाल दिया है और हम अब जो चम्मच से उससे हम चलाते हुए पकाएंगे। तो गैस को मीडियम ही रखना है क्योंकि इसमें बेसन है तो वो जल्दी से ही थिक होने लगता है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मीडियम गैस पे हम चलाते हुए पका रहे हैं और वह जो बैटर है वो थोड़ा थोड़ा सा थिक होने लगा है। तो अच्छे से हम चलाते हुए मीडियम गैस पे ही इसको पका लेंगे। तो चलाते रहना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी रुकना नहीं है और गैस को मीडियम रखना है। तो चलाते हुए हम ऐसे ही बैटर को पका लेते हैं। अच्छे से हमें पका लेना है जो भी इसमें जो बेसन है वो अच्छे से पक जाए, तो हमारी जो सब्ज़ी है वो बढ़िया सी बनके तैयार होगी और टेस्टी बनेगी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हम बिल्कुल भी रुक नहीं रहे हैं, चलाते हुए ही हम पका रहे हैं। तो चलाते चलाते ही हमें पकाना है इसको, और हमें तब तक पकाना है जब तक हमारा जो डो है अच्छे से थिक ना हो जाए। तो चलाते हुए ही हम ऐसे ही पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दिया गया है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सबको हम बड़ी ही मेहनत से रेसिपी, न्यू रेसिपी रोज़ को ही लाते हैं फ्रेंड्स, आप सबको बड़ी मेहनत से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हमारा जो बैटर है अच्छे से थिक हो गया है फ्रेंड्स, तो हमने जो थाली में तेल लगा कर रखा था हम उसमें सभी बैटर को डाल लेते हैं। तो हमें इसको जो बैटर है अच्छे से हमें इसको जो है छोड़ देना है कि अच्छे से जो, तो हमें चमचे से अच्छे से इसको एक शक्ल लेना है। तो हमने एक शक्ल लिया है और चम्मच से हम इसका चिकना कर देंगे और छोड़ देंगे घंटे भर के लिए। तो एक घंटे में हमारी जो कतरी है वो सेट हो जाएगी अच्छे से। तो हमें अच्छे से इसको सेट करना है। तो हमने अच्छे से इसको चिकना कर दिया है ऊपर ऊपर, आप देख सकते हो, आप किसी भी चीज़ से इसको चिकना कर देना। और यहाँ पे हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं जब तक हमारी जो कतरी है अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद में यहाँ पर डालेंगे हम दालचीनी के पत्ते। तो हमने दो तीन डाले हैं दालचीनी के पत्ते, एक चम्मच डालेंगे जीरा और साबुत धनिया डालेंगे, और यहाँ पे डाल देंगे हम अदरक, और दो तीन हमने लाल मिर्ची डाली है। तो गैस को मीडियम ही रखना है फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा कि मसाले जले मत। तो सभी मसालों को अच्छे से हम एक दो मिनट के लिए भून लेते हैं। एक दो मिनट के बाद हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। दो टमाटर हमने छोटी साइज में कट कर डाल दिए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी हम सफ़ेद तेल, और सभी को अच्छे से हम पका लेंगे चलाते हुए, तो जो टमाटर का कच्चापन है वो दूर हो जाए, तभी तक हमें पकाना है। तो दो तीन मिनट के लिए हम पका लेते हैं अच्छे से सभी मसालों को। तो दो तीन मिनट के बाद हमारे सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं, और यहाँ पे डाल देंगे हम मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से पीस लिया है सभी मसालों को, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे जो हमारी कतरी है वो भी अच्छे से सेट हो गई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं। तो आप अपने मन मुताबिक के इसके पीस कट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चौकोर कट में चौकोर के पीस कट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कितने आसानी से कट हो रही है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम से ये हमारी कतरी बनके तैयार हुई है पालक और बेसन की। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी ही सॉफ्ट हमारी कतरी बनके हुई है तैयार, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको बनाकर तैयार कर सकते हो सब्जी को। और गैस पे हमने एक बर्तन में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो जो हमारी कतरी के पीस हैं वो हम डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर तक हमें बिल्कुल भी इसको छूना नहीं है, उलट पुलट नहीं करना है। अच्छे से हमारी जो कतरी है जब एक साइड से सिक जाएगी तो दूसरे साइड से हम इसको पलटेंगे। तो ऊपर से हम तेल डाल देते हैं कि जल्दी से ये ऊपर भी सिक जाए।
तो उलट पुलट करके हम थोड़ी देर में ही सेक लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसको हमने पलट भी दिया है, बस हमें आसानी तरीके से इसको पलटना है। तो ऐसे ही हम उलट पुलट करके सेक लेते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है इस सब्जी को बनाने का। तो आप देख सकते हो कि हमारी कतरी जो है सिक गई है। तो हम सभी को ऐसे ही सेक लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सभी कतरी को सेक लिया है हमने और हमारे पीसेस जो हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं। आप ऐसे भी इसको खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो उसी बर्तन को हमने फिर से चढ़ा दिया है फ्रेंड्स, तेल को कम कर लिया है। तो तेल आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो एक चम्मच डालेंगे जीरा और कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, आधी चम्मच डालेंगे राई और अच्छे से सभी मसालों को हम चटका लेते हैं फ्रेंड्स। तो यह हम गैल लहसुन प्याज की सब्जी बना रहे हैं फ्रेंड्स। आप चाहो तो इस स्टेज पे आप लहसुन प्याज भी डाल सकते हो, आप खाते हो तो डालिएगा, पर हम ये गैल लहसुन प्याज की बनाने वाले हैं सब्जी। तो हमारे अच्छे से मसाले भुन गए हैं, तो जो हमने मसाले पीस कर रखे थे वो डाल देते हैं और अच्छे से भून लेंगे सभी मसालों को। तो फ्रेंड्स ये गैल लहसुन प्याज की सब्जी है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी सब्जी हमारी बनके तैयार हुई थी। आप एक बार ज़रूर से हमारे तरीके से बनाइएगा। और यहाँ पे हम डाल लेते हैं कुछ मसाले। तो एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, एक चम्मच डालेंगे गरम मसाला। तो आप अपने पसंद से मसाले ऐड कर सकते हो। एक चम्मच डाल देंगे हम इसी में कश्मीरी लाल मिर्च। सभी मसालों को अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे हम और अच्छे से सभी मसालों को हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए चलाते हुए हम सभी मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। तब तक हमें पकाना है मसालों को जब तक हमारे मसालों में सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। तो चलाते हुए हम सभी मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये मसाले जो है कितने बढ़िया से हमारे पक गए हैं। इसका तेल जो है अगल दिखने लगा है, आप देख सकते हो। अगर हमारा जो मसाले का तेल है वो अगल दिखने लगता है तो हमारे मसाले अच्छे से पक के तैयार हो जाते हैं और सौंधी सी खुशबू आने लगती है। तो हमारे मसाले में हम यहाँ पर डालेंगे कटी हुई हरी धनिया। मसालों में डालने से हरी धनिया बढ़िया सा सब्जी में टेस्ट आता है। और यहाँ पर डाल देंगे हम कस्तूरी मेथी क्रिश करके। और यहाँ पे हमने किचन किंग मसाला लिया है, तो हम किचन किंग मसाले को भी डाल देते हैं। आपके यहाँ जो भी मसाला हो आप वो डालकर सब्जी में डाल सकते हो। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है फ्रेंड्स। आपके यहाँ हम जितने मसाले डाल रहे हैं उतने मसाले हों तो आप ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि हमारी सब्जी मसाले डालने से ही अच्छी बन के तैयार होती है टेस्टी सी। तो हमारे अच्छे से मसाले पक गए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अच्छे से हमने इन मसालों को भुंजाई करी है, क्योंकि जब तक हमारे मसाले अच्छे से नहीं भुन जाते हैं तब तक सब्जी में टेस्ट नहीं आता है। तो मसालों को अच्छे से ही भून लीजिएगा। तो हमारे मसाले भून के हो गए हैं तैयार फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर डाल देंगे पानी। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर 2 गिलास पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से ग्रेवी को रख सकते हो, कम ज़्यादा आपको जैसे भी पसंद हो। तो 2 गिलास पानी डालने के बाद अच्छे से हम चला लेते हैं कलछी से। और यहाँ पे डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि हमने कतरी में भी नमक डाला हुआ था तो आप अपने पसंद से डाल सकते हो। तो हमारी जो ग्रेवी है उसको हम छोड़ देते हैं ढककर पकने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमने 6-7 मिनट के बाद हमारी जो ग्रेवी है कितनी पक के कम बची है आप देख सकते हो। तो हमारी ग्रेवी जो है अच्छे से पक गई है। बीच बीच में हमने 1-2 बार इसको चला भी दिया था। तो यहाँ पे जो हमारी कतरी बनी रखी है हम वो डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी ग्रेवी अच्छे से पक जाए तभी आपको ये कतरी डालना है। आप पहले से डाल दोगे तो ये आपकी जो कतरी है वो घुर भी सकती है, इसलिए आप बाद में ही इसको डालिएगा। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसी पे हम 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको ढककर।
तो एक दो मिनट के बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमारी सब्जी बनके तैयार है और कितनी अच्छी हमारी इसकी ग्रेवी दिख रही है। तो एक बर्तन में हम सब्जी को रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी सब्जी बनके तैयार है और कितनी बढ़िया इसका कलर आया है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बनके तैयार हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको हमारी आज की रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा हमारे तरीके से। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है फ्रेंड्स और सभी को आपके यहाँ घर परिवार में सभी को ये सब्जी पसंद आएगी। आपको यकीन नहीं होगा ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है और बहुत ही फायदेमंद रहती है, इसमें बहुत ही विटामिन रहते हैं फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा। तो मिलते हैं आप सबको अगली रेसिपी में। सभी बहन भाइयों को हमारी तरफ से राधे राधे। एक बार आप रेसिपी को ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। हो गई।